नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के राम तीर्थ रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से टकराई, एक नौजवान की मौके पर हुई मौत, तीन गंभीर घायल। भिकीपिंड के गांव नारला में पड़ोसी ने गोली मारकर एनआरआई लड़की और उसकी माता को किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के मकसूदा स्थित एक फैक्ट्री मालिक पर बेरहमी से पीटने का लगाया आरोप, देर रात तक जबरदस्ती करवाता था काम। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के राम तीर्थ रोड पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन नौजवान बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद ट्रक के नीचे घुसी गाड़ी को बाहर निकाला। वहीं गाड़ी में से काफी नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी, जिस कारण उसकी ट्रक के साथ टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 4 के करीब एक्सीडेंट होया जी, ते अही मौके ते आ गए हां, ते ये बंदे जड़े विच फसे, दो तीन बंदे जड़े विचों कढे आ, ते एक बंदे दी मौत ते डेथ हो गई आ, ते बाकी कार्रवाई जी चल रही थाने कर रहे हैं। 4 बंदे जजमेंट अस्पताल तो पता लगेगा भी कि नशा किया कि राम तीर्थ रोड आ, हरी राम बगीची का एरिया वा। रात इतने एक्सीडेंट होया करीब 4 बजे आस पास, दस रहे ने आस पास के लोग, और जड़ा पूरी तरह गड्डी डैमेज हो गई है। 4 ये व्यक्ति से जोड़े कि साड़ी वार्ड नंबर 2 ही सारे ने, और जिसे एक लड़के की डैथ हो गई है, 3 जड़े वो जख्मी ने गंभीर तौर पर, और 3 जड़े अमनदीप अस्पताल के दाखिल ने। भिकीपिंड के गांव नारला में पड़ोस में रहते एक व्यक्ति द्वारा गोली मारकर कनाडा से आई एक लड़की और उसकी माता को जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल में उपचाराधीन घायल अमरजीत कौर ने बताया कि उसका पति विदेश में रहता है, जबकि वह और उसका लड़का गाँव नारला में रहते हैं। कुछ समय पहले उसकी विदेश में रहती लड़की उसे मिलने के लिए यहाँ आई हुई है, और उनके रिश्तेदारी में दोहता लगता हरपाल सिंह उनके पड़ोस में रहता है। उसकी ओर से कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ झगड़ा किया जाता है। इसी मामले को लेकर गत दिवस भी उसके द्वारा उन पर गोली चला दी गई, जिस कारण वह और उसकी बेटी घायल हो गए। तो वहीं उसकी बेटी को डॉक्टरों ने इलाज के लिए अमृतसर रेफर कर दिया है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसका लाइसेंस रद्द करके उस पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में थाना खालड़ा के SHO लखविंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जख्मी महिलाओं के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। भिकीपिंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की। असी अपने घर साग तोड़दे सी, ते बेड़ी ने नाल झगड़ी है, एक कंध उधर एक परसों की बेड़ी के पिछे पई सी, परसों मैनू वेख के पिछा मुड़ गई है, ते एक कल दे 12 बजे ना एक मजबी सिंह दे नौ दे साग तोड़न लग पईआं, उत्थे लग गई एक कंध उधर आण के इहनां नाल झगड़ी है। गांडी गुंडियां इन्हों का कोई आपस झगड़ा होया, तो इन्हें एक कंप्लेट भी की 112 से। साड़ी पुलिस पार्टी जो गई, अजय साड़ी पुलिस पार्टी रस्ते च ही, तो साढ़े जाने तो पहले ही जो हरपाल सिंह ने जोड़े गुआढ़ियों से फायर करता, तो एक फैर एक वो लड़के ने फायर किया, तो जोड़ा वा वो पत्नी ने ललकारा मारिया, तो जो मुड़ के फायर करने बाद मौके तो भज गए। जालंधर के मकसूदा में स्थित DBN पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक द्वारा उन्हें बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री मकसूदा में स्थित है और फैक्ट्री में गत्ते बनाने का काम होता है। उन्होंने धरना लगाने का कारण यह बताया कि तकरीबन पिछले कई महीनों से फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में काम करवाने वाले मजदूरों को ज़्यादा काम करने को कहता है और अगर कोई मजदूर मना करता है तो उसके साथ मारपीट भी की जाती है। लेबर ने बताया कि गत दिवस फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री में काम करने वाले एक 15 वर्षीय लड़के को बेरहमी से पीटा और फैक्ट्री में बंद कर जबरदस्ती काम कराया। उन्होंने यह भी बताया कि फैक्ट्री का मालिक उन्हें रोज धमकाता है और जबरदस्ती उनसे काम करवाता है। फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर लड़की ने कहा कि उसके कई बार मना करने पर भी फैक्ट्री मालिक उससे जबरदस्ती काम करवाता है और बाहर से फैक्ट्री को ताला लगाकर चला जाता है, जिससे वह लोग फैक्ट्री के अंदर रह जाते हैं और मजबूरन उन्हें काम करना पड़ता है। वहीं एक कर्मचारी ने यह भी बात बताई कि जब वह धरना लगाकर बैठे थे तब उन्हें फैक्ट्री के मालिक द्वारा धमकाया भी गया कि ना तो पुलिस उसका कोई उखाड़ सकती है और ना ही यह बिकाऊ मीडिया उसका कुछ उखाड़ सकता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस संबंधी पुलिस प्रशासन फैक्ट्री मालिक पर क्या एक्शन लेता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। वो कल काम पर नहीं आए थे, जबरदस्ती काम पर लेकर काम करा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या नाम है? फैक्ट्री है सामने, वो सामने ही है। वो काम पर नहीं आए इसलिए बोले काम पर क्यों नहीं आया। मैं बोला सर जी जो काम हुआ है, मैं काम मारा था। नहीं कल कल मारा था, हंगामा आज हो रहा। हाँ हंगामा कल भी हुआ था, आज भी हुआ था। तो 2:30 बजे उधर से आए, जाकर सो गए। सुबह आए हैं तो बेदी को बुला रहे हैं, विकास बेदी को तो नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि मीडिया वाला थाने वाला हमारा है, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जो करना है तुम लोग का करो। हमारा नाम बनारसी कुमार है, विकास बेदी ने बोला है। जो थाना क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, मेरे पास पैसा है। इतने पता लगा सी कुछ लेबर इकट्ठी हुई है, नंदा धर्मकंडा है, उदे मालिक ने नाल उन्हां दी बॉक्स फैक्ट्री है, गत्ता बॉक्स फैक्ट्री है। विकास बेदी नाँ का कोई आदमी उन्होंने किराए से दिती हुई है। लेबर ने नाल कोई तकरार होया सी उन्हां दा, उदे संबंध विच उन्हां नूं बुलाया, 2 बजे दा टाइम दिता होया। विकास नंदा है कोई, विकास बॉक्स फैक्ट्री, नंदा बॉक्स फैक्ट्री है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार सुनील शेट्टी सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके पारिवारिक सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं सुनील शेट्टी की एक झलक पाने के लिए श्री दरबार साहिब में पहुंचे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान कई लोगों द्वारा उनके साथ सेल्फी भी ली गई। इस दौरान सूचना केंद्र में सुनील शेट्टी को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 वर्षों से सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही अपने जन्मदिन से 2-3 दिन पहले ही अमृतसर में पहुंच जाते थे और सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें शांति और एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है, जिससे उन्हें काम करने में काफ़ी सहयोग भी मिलता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये कि हर साल आऊं लेकिन पिछले 2 साल से आ नहीं पाया कोरोना की वजह से, और तो तसल्ली नहीं हो रही थी मन को, और यहाँ आते ही एक ऐसी फीलिंग है शायद जो फीलिंग मुझे कहीं नहीं और नहीं मिलती। एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन, एक अजीब सी खुशी और आंखें भर आती है हमेशा। इतनी खूबसूरत जगह, वाइब्स बाहर से ही वो फील है और अंदर आते ही तो ऐसे लगता है कि जन्नत में है। तो बहुत ही खूब और खुश हूँ कि मैं आ पाया। कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपने जन्मदिन के दिन आकर 2-3 दिन गुजारता हूँ यहाँ पर। इस बार नहीं हुआ, लेट हुआ, लेकिन देर आई दुरुस्त ज़रूर। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमृतसर में समाज सेवी संस्था द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग डे मनाया गया, जिसमें समाज सेवी संस्था द्वारा उच्च पुलिस अधिकारियों और प्रसिद्ध समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटीओ, ADGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला और वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल जोगिंदर पाल रत्ना को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि हर साल अक्टूबर के आखिरी शनिवार को कम्युनिटी पुलिसिंग डे मनाया जाता है। अमृतसर में भी यह दिवस मनाया गया, जिसमें उन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात मेहनत कर प्रशंसनीय कार्य किए हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नशे को खत्म करने के लिए लगी हुई है, जल्द ही पंजाब में से नशे को खत्म कर दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की। कम्युनिटी पुलिसिंग डे आ अक्तूबर का जोड़ा भी लास्ट सैटरडे हों उस दिन कम्युनिटी पुलिसिंग डे मनाया जाता है। अज साढ़े अमृतसर शहर के एस यू के एन जी ओ सोसायटी आ उन्होंने उद्यम सदका अज अमृतसर फंक्शन किया गया, जिन्होंने भी शलाघायोग काम किए ने पुलिस अधिकारियों ने उन्होंने इतने सन्मानित किया गया। समाज के होर भी सिर कट जे समाज सेवी ने उन्होंने भी इतने सन्मानित किया गया। सो साडे कमिश्नर पुलिस अरुणपाल जी, साडे जोगिंद्रपाल जी सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल ने पंजाब के उन्होंने बहुत योगदान इस सैलीब्रेशन के है। साढ़े मैडम अनीता शर्मा जी जेडे एस यू के एन जी ओ सोसायटी के प्रेजीडेंट ने उन्हों का बहुत ज़्यादा योगदान नॉट ओनली दिस फॉर टूडेज़ फंक्शन पर पहला भी देखते दे रहे हैं कि जदों कोविड के भी इन्होंने काफ़ी शलाघायोग काम जोड़े ने वो अमृतसर के। देश भर में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। नगर निगम ने घरों से निकलने वाले प्लास्टिक और कचरे से सड़क बनाने का निर्णय लिया है। घरों से निकलने वाली प्लास्टिक और कचरे को अब इस्तेमाल करके नगर निगम प्लास्टिक कचरा और तार कोल की मदद से सड़क बनाएगा। इसके लिए नगर निगम की सिविल ब्रांच ने ट्रायल बेस पर बठिंडा शहर के जुजार सिंह नगर में 3 गलियों की सड़क बनाने में वेस्ट प्लास्टिक का प्रयोग किया है। कचरे से सड़क बनाने का ये अपनी तरह का पहला कार्य बठिंडा नगर निगम की तरफ से किया गया है। इस मौके पर नगर निगम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर संदीप गुप्ता ने बताया कि इसके प्रयोग से सड़क को बनाने में लागत भी कम आएगी। इसके साथ ही शहर के कचरे से निकलने वाला प्रतिबंधित पॉलीथीन के निस्तारण की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तार कोल के साथ प्लास्टिक कचरा मिलाकर सड़क बनाई जाएगी। इस मौके पर पार्षद हरपाल सिंह सहित अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जिहड़े साडे वार्ड दे विच जिहड़ी प्लास्टिक दी जिहनूं आपां कह सकदे प्लास्टिक दे लिफाफे जिहड़े वेस्ट सी उहनूं पा के सड़क बनाई गई आ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਲਵੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਡੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਟੀ ਓ ਸੀ ਜੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰੂਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਿਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 2-3, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ 8% ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਐਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ 8% ਬਾਈ ਵੇਟ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में रोजाना ही बड़ी संख्या में देश विदेशों से संगतें नतमस्तक होने के लिए पहुंचती है, जिसके चलते भारत के केंद्रीय राज्य सुरक्षा मंत्री अजय भट्ट सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के पश्चात पवित्र गुरुवाणी के कीर्तन का श्रवण भी किया। इसके पश्चात वे श्री अकाल तख्त साहिब से भी नतमस्तक हुए, तो वहीं एसजीपीसी के अधिकारियों की ओर से सूचना कार्यालय में उन्हें
सम्मानित भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य सुरक्षा मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर बड़ी बड़ी पार्टी रिजॉर्ट या बड़े होटल में आयोजित कर अपनी वाहवाही लूटना चाहता है, लेकिन नाभा क्षेत्र के विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने अपने जन्मदिन पर एक अलग ही प्रयास किया है। उनकी ओर से अपने जन्मदिन पर एक विशाल खूनदान कैंप का आयोजन किया गया और खुद भी खूनदान कर लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने जन्मदिन पर फिजूल खर्ची करने की जगह खूनदान कैंप लगाएं। इस मौके पर आप पार्टी के नेताओं द्वारा खूनदान कैंप में ही केक काटकर खुशी साझा की गई। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि सारे देश में पुलिस की एक ही वर्दी होनी चाहिए, इस पर देवमान ने प्रधानमंत्री की इस बात की प्रशंसा की। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। नाभा की लीडरशिप वालों मैडम सुजाता चावला जी प्रधान नगर कौंसल साढ़े अशोक अरोड़ा जी प्रधान ब्लॉक नाभा शहरी डॉक्टर जसवंत कपूर जी जतेंद्र कलारा जी प्रधान ट्रैक यूनियन नाभा सारी टीम वालों केक कटिया गया और मुबारकबाद दी गई है और इस मौके असी ब्लड कैंप लाया गवर्नमेंट भी ब्लड दिता और ब्लड कैंप लाया ताकि जन्मदिन के मौके पर किसी की मदद कर सकी क्योंकि ब्लड की बहुत बड़ी कमी है और पीपल जी ब्लड की कमी करके जोड़े है यूनिट ले जाते हैं। सो रोटरी क्लब नाभा के ब्लड कैंप इस वक्त चल रहे हैं और बड़ा जोश है जी सारे सारे बड़ी खुशी चा दे ब्लड दे रहे हैं। 29 अक्टूबर अज साढ़े MLA देवमान जी का जन्मदिन, उन्होंने सब तो पहला बहुत बहुत मुबारक दिनी मैं शुभकामना दिनी हाँ। तो जेडे अपना जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने के बहुत तरीके होंगे ने, हर एक कोई अपना अज के टाइम मतलब लोगों का बहुत वे चेंज हो गया, अपना नज़रिया देखने का चेंज हो गया, ना कि सिर्फ एक घर मतलब सैलीब्रेशन रह गए। तो कई लोग मतलब प्लांट्स लगा के करते हैं सेवा भावना, कई लोग बेचारे गरीब बचा लोगों के बीच अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ खाण पीन का समान या कुछ भी। तो अज असी मान साहब जी के जन्मदिन के उपर ब्लड कैंप लगया गया है, तो जिहड़ा कि बहुत ही वड्डा मैनू दान लगता है भी इस तो उपर जन्मदिन के उपर कुछ हो नहीं सकता जिहड़ा कि कैंप लगया जाए। जालंधर कैंट के सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च में फादर थॉमस की पर्थ की अध्यक्षता में माँ मरियम के आयोजित किए जाने वाले वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में झंडा रस्म अदा की गई। इस अवसर पर फादर थॉमस की पर्थ, फादर मैथ्यू, कर्नल जूलियन विल्सन व BSF कमांडेंट विल्सन ने संयुक्त रूप से इस रस्म को अदा किया व विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान फादर मैथ्यू ने माँ मरियम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए परस्पर प्रेम, प्यार व मानव सेवा का संदेश दिया। झंडा रस्म के बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया एवं माँ मरियम की याद में नवीना प्रार्थना की गई। इस मौके पर फादर जोस, फादर जेम्स, फादर सुरेश, मसीही नेता सूरज मसीही फोलड़ीवाल, चर्च प्रधान बलविंदर बाबू, राजन बाबू, पीटर बाबू, जॉन कमल भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। माँ मरियम का मेला जेड़ा असी हर साल बड़ी धूमधाम ना मनाने आ, ते आज वो मेला दी शुरुआत हुई है। इस तरह ये शुरुआत हुई है साढ़े फादर मैथ्यू कोकंडम जी ने इन झंडे की रस्म अदा किया और यह प्रोग्राम शुरू होया। अभी यह 9 दिन चलेगा, 9 दिन प्रेयर होगी, माँ मरियम की रोजरी होगी, बहुत सारिया मरीजों बहुत सारे अपने जेडे बजुर्ग आ जा होर सारे बहुत बरकत मिल गई, बहुत सारे लोगों दिया आसा होंदिया भी साड़ी माँ मरियम साढ़े लिए जे आ करती साढ़े काम करती वो काम पूरे होणगे। इस तो बाद 6 तरीक नूं बड़ा मेला बड़ी धूमधाम का मनाया गया जाऊगा। इतने सारे पूरे पंजाब तो और नाल लागे सागे जिन्हें भी हिमाचल शिमला जिन्हें भी है आ सारे स्टेट भी इतने आते हैं। ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਈਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਨਾ
रोजरी प्रार्थना, इसलिए सारे तो सारे गिरजे में आके मामरियों खोलो अपने मनता मंगो खुदा तुहानू सारियां आशीष ते बरकत दे। जालंधर के कस्बा अलावलपुर के जागरूक किसानों द्वारा इस बार अपने खेतों में धान की कटाई के बाद आग नहीं लगाई गई। कुछ दिन पहले शाहकोट के गांव में पराली जलाने से उठे धुएं के कारण हुए हादसे में एक घर का चिराग बुझ गया था, तो वहीं दूसरे घर के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद किसान खुद पराली जलाने वालों को गलत बता रहे हैं। वहीं कस्बा अलावलपुर में धान की पराली को आग लगाने की इस बार एक भी घटना अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी, जिसका मुख्य कारण किसानों का जागरूक होना है और पराली को आग ना लगाने का मुख्य कारण गुज्जर भाईचारे का सहयोग भी है, क्योंकि सर्दियों में मवेशियों के लिए चारे के रूप में पराली का इस्तेमाल किया जाता है। एक खेत की पराली को बेलर मशीन से गांठ बांधकर बाहर निकालने पर करीब 2800 रुपए का खर्च आ रहा है, जिसमें आधा खर्च किसान अदा करता है, बाकी का खर्च गुज्जर उठाते हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आग नहीं ला रहे, चक रहे हैं पराली मूहरे, पहले फूस बना देंगे, फिर उन्होंने चक लेंगे कंबाइना ना बढ़ाते हैं, हूँ एक नवी मशीन आई वो मुठ्ठे भी बनाते हैं, तो साढ़े इस एरिए प्रदूषण तो नहीं लाते हैं। प्लांट लग जूगा बहुत वधिया, अच्छी बात, खरी गल गां खोरी गन्ना गन्ने का सीजन शुरू हो जाना, वो खोरी आ खोरी भी उस कम आऊगी, ये पराली भी कम आऊगी, लेबर का कम भी बधूगा, रोजगार मिलूंगा। हम लोगों के काम पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, काम नहीं रहेगा फिर करेंगे क्या, पराली में आग लगा देते हैं, हम लोगों को काम कम हो जाता है, इससे हमारा जो है काम अच्छा चल रहा है, पराली अगर आग लगा देंगे फिर काम कम हो जाएगा, इससे अब जो है काम बढ़िया चल रहा है, इस समय काम अच्छा चल रहा है। दर्जा 4 कर्मचारी शिक्षा विभाग जालंधर में सभी कर्मचारियों की अध्यक्षता में प्रधानगी पद के लिए चुनाव करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से राजकुमार को प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर नव नियुक्त प्रधान राजकुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग जालंधर में दर्जा 4 कर्मचारियों का कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, सभी काम पहल के आधार पर करवाए जाएंगे। इस मौके पर संजीव खन्ना, लवप्रीत सिंह, सलीम कुमार, दविंदर सिंह, रंजीत कुमार, धर्मवीर, जसकरण मोंटू, राकेश कुमार, सुभाष कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार, सतीश कुमार, रविंदर कुमार और आशु भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए पवन कनोजिया की रिपोर्ट। जिन्हें भी अपने साथी इतने अपना कीमती समा कट के इतने आए, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा, अते नाल ही साडे स्टेट प्रधान श्री विजय कुमार बिलासपुर जी, उन्हों का भी धन्यवाद करदा, जिन्होंने सानू कमेटी बनाने उत्साहित किया, जिस तरह इन्होंने मैं माण बख्शाया, प्रधान बनाया, मैं इन्होंने विश्वास दवाना भी कोई भी जलंधर लेवल से सिक्ख्या विभाग में कोई भी काम जोड़ा वो पेंडिंग नहीं रहूगा। छठ पूजा समिति बेअंत सिंह पार्क फोकल पॉइंट जालंधर के सभी सदस्यों ने दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विज, थाना डिवीजन नंबर 8 के SHO कुलदीप सिंह, फोकल पॉइंट चौकी के इंचार्ज SI नरेंद्र मोहन को निमंत्रण पत्र प्रदान किया और पूजा स्थल पर पूर्ण तैयारियों की जानकारी दी। वहीं सीनियर कांग्रेस नेता एवं पार्षदपति रवि सैनी ने अध्यक्षता करते हुए छठ पूजा स्थल का जायजा लिया। इस अवसर पर छठ समिति के संचालक AK मिश्रा ने कहा कि महानगर के सभी छठ पूजा करने वाले भक्त समय पर पहुंचकर छठ पर्व की पूजा कर सकें, इसके लिए उनकी तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस मौके पर संचालक AK मिश्रा, चेयरमैन गोलू यादव, प्रधान भरत प्रसाद, छठ घाट प्रधान सुनील सिंह, कैशियर अवधेश सिंह, सचिव राधा मोहन यादव, निदेशक मोतीलाल यादव, अजय गिरी, वीरेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, कुंदन पांडे, सुरेंद्र शाह, हरीश सिंह, रोहित एवं सोनू सहित समिति के सभी पदाधिकारी एवं घाट के सहयोगी भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जो उन्होंने ड्यूटियां लगाईया मेरी वार्ड दे विच, वो वार्ड तो मैं पहले भी अपील की थी सी, जिते भी किसी चीज की लोड है, पानी की, सफाई की व्यवस्था किसी भी ढंग की, वो आडर संपर्क करे, जिमें कि पिछली बारी पानी नहीं सी आया नहर से, पानी पहुँचा का जो काम से वो साढ़े मिश्रा जी साढ़े जिन्हें भी सहयोगी वो पानी पहुँचाता से, हूँ भी कि कोई दिक्कत हैगी है, किसी की
किसी भी सट गाट से परेशानी आती है वो संपर्क करे, पानी के नाल नाल सफाई व्यवस्था किसी भी तरह का वो पहुँचा दी जाएगी। सो अज जे मुकम्मल काम हो चुके हैं, साफ सफाई का ये अपना कार पसंद दी गड्डिया ने एम एल ए साहब ने कहा कि पानी दी गड्डिया चार आ गए, पानी गड्डिया जिहड़ियां खाली हो चुकी हैं, पानी लगातार आ रहा है। जिहड़ा तलाब दे विच जिहड़ा एक स्थाई रूप दे विच पंजाब दे विच इस हल्के दे नौजवान नेता ने बाबा जी ने जिहड़ा एक बना के एक पहला विजन दिता है लोगों, मेरे जिन्हें भी सठ मैया के जिन्हें भी वर्त रखते मेरिया माता भैन उन्हां वास्ते स्थाई रूप से जिहड़ा पंजाब का पहला जिहड़ा सठगढ़ बना दिता है। आज लगभग शहर के सभी घाटों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहां अभी मैं खड़ा हूं ज्ञान सिंह पार्क, हमारे साथ विधायक बाबा जी हेनरी के दिशा निर्देश से काउंसलर पति रवि सैनी जी मुआयना कर रहे हैं। यहां पे भी पानी का व्यवस्था नगर निगम वालों रवि सैनी जी ने करवाया है, साफ सफाई का भी व्यवस्था हो चुका है। सभी छठ व्रती श्रद्धालुओं से विनती है कि कोई परेशान न हो, यदि किसी तरह की दिक्कत है तो यहाँ बेंसिल पार्क में आकर हमारे अवधेश सिंह जी प्रधान जी एक हैसियत साहब यहाँ बैठे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी हो यहाँ आके संपर्क करें, 24 घंटे यहाँ मौजूद है और सब लोग श्रद्धा से सद्भाव से और सबके मंगल कामनाओं के साथ देश पंजाब प्रदेश या अपने जन्मभूमि की मंगल कामनाओं के साथ पूरे समाज के लिए मांगलिक इच्छाओं के साथ छठ पूजन मनाइए। प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बहरिया पुरानी कपूरथला रोड में आरंभ हुए 50वें चार दिवसीय विराट वेदांत सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। इस चार दिवसीय विराट वेदांत सम्मेलन के दूसरे दिन भी महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज दिल्ली वाले, महामंडलेश्वर आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज हरिद्वार वाले, पंचायती अखाड़े के महात्मा आदित्यपुरी जी महाराज, आचार्य स्वामी ऋषिराज जी महाराज नवाशहर वाले, स्वामी सनीठानंद जी महाराज, स्वामी मंगलमूर्ति जी महाराज काशी वाले, स्वामी भास्करानंद जी महाराज लसाड़ा वाले, स्वामी देवेंद्रानंद जी महाराज पठानकोट वाले, स्वामी प्रबोधगिरी जी महाराज नसराला वाले, विजय पाठक मंडी गोविंदगढ़ वालों सहित महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को कृतार्थ किया। इस मौके पर NRI ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रमोद मेहंदीरत्ता के भाई समाज सेवक रविंद्र कुमार मेहंदीरत्ता ने विशेष रूप से शामिल होकर संत महापुरुषों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट। हे राजन इमाम पशु बुद्धिम जही, ये जो तेरी पशुओं की तरह बुद्धि है, कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। इमाम पशु बुद्धिम जो तेरी पशुओं की बुद्धि बनी हुई है, जही छोड़ इसको, तो कहां मरने वाला है? न तुम राजन मरिष्यति, तू मरेगा ही नहीं। तो उधर भागवत में परीक्षित की स्थिति ठीक नहीं है, रामायण में तारा की स्थिति ठीक नहीं है, और गीता में अर्जुन की स्थिति सात ऋषि गए हैं, सप्त ऋषि। जिसका नाम हिमांशु योशी है, हीरा रखा हुआ मकरा। अच्छा, ये बात इसको इस बात से भी समझ लेना चाहिए था कि हीरा रखा है तो कुछ सोच के रखा हुआ। हीरा पैदा कहां होता है बता दो, तो बड़ी खुशी है। बिजनेसमैन हो सब
कोयले की काम कोयले का रंग क्या होता है और हीरे का चमकीला पारस लोहे को सोना करे संत गुरु कर ले आप सब किसी के प्रति जैसा भी भाव रखते हैं उसके भीतर भी वैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यदि हम अच्छा भाव रखेंगे तो उसका भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा, विचार रहेगा। और यदि उसके प्रति हमने कुभाव रखा, और कल में श्रवण कर रहे थे तभी कहा कि जीवन में सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही नाथ पुराण निगम ही जहां सुमति ता संपत्ति नाना जहां कुमति ता। छठ पूजा समिति वेलफेयर सोसाइटी की ओर से छठ पूजा के उपलक्ष्य में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के चेयरमैन नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से होने वाली इस छठ पूजा में पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए जगह का इंतजाम कर दिया गया है और शाम तक नहर में पानी भी छोड़ दिया जाएगा। इस मौके पर प्रधान सुनील कुमार शर्मा, कैशियर नवीन कुमार झा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। 17 बिलोंग करता हाँ, मैं इतने छठ पूजा का चेयरमैन भी हाँ। सानू 10 दिन तो बाद शीतल भाजी साढ़े इलाके के MLA ने उन्होंने मतलब पूरा सहयोग मिल रहा है। लोकल कारपोरेशन से देखो सानू उन्होंने सफाई का इलाज पूरा सहयोग दिता है। अपने हाथ से अपना किया है, जंगलात ने वक्रा किया है। ਕਿਰਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ MLA ਮੁੱਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਣੀ ਇੰਪੈਂਡਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਨਫਰਮ ਆਏਗਾ, 100% ਆਏਗਾ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ, पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें राजकुमार सहगल एंड पार्टी ने गणेश वंदना के पश्चात मधुर भजन गाकर माँ भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता यादव खोसला, रमन शर्मा भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, गायक राजकुमार सहगल, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, सुनील अरोड़ा, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, शिवम मखीजा, मैत्री मखीजा, गायक प्रदीप पुजारी, अश्विनी चड्डा, पवन मेहता, लक्की इंद्रजीत सिंह राही, अरुण वर्मा, अश्विनी चोपड़ा, राजू शर्मा, अश्विनी शर्मा, दीपक झांझी, राकेश बिल्ला और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की।
भारत का एकमात्र पौराणिक एवं ऐतिहासिक श्री वृंदा देवी मंदिर गुफा कोट किशनचंद, जिसके सतीत्व के बल पर तुलसी और आंवला की उत्पत्ति हुई एवं वृंदा जी के पति के नाम पर जालंधर नगर प्रसिद्ध हुआ। इसी ऐतिहासिक श्री वृंदा देवी मंदिर गुफा कोट किशनचंद में तुलसी एवं आंवला पूजन महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। इस 9 दिवसीय होने वाले आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच को, एडवोकेट गुलशन शर्मा, महेश कालिया काकू, जीवन शर्मा, ब्रज आष्टा, तविंदर सोधी, तीनू और प्रिंस सोंधी की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। इस मौके पर एडवोकेट गुलशन शर्मा और सभी साथियों ने 31 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले उत्सवों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच, आप नेता राजकुमार शर्मा, अरुण कोहली, हरिपाल सोंधी, नरेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, सुशील सोंधी, तरुण शर्मा, शशि सरीन, रेणु सोंधी, रचना, पूजा घई, मोना बजाज, कनिका सोंधी, भूमिका, निहारिका सोंधी, कंचन शर्मा, हर्ष लांबा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के राम तीर्थ रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ट्रक से टकराई, एक नौजवान की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर घायल। भिकीविंड के गांव नारला में पड़ोसी ने गोली मारकर एनआरआई लड़की और उसकी माता को किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के मकसूदा स्थित एक फैक्ट्री मालिक पर बेरहमी से पीटने का लगाया आरोप, देर रात तक जबरदस्ती करवाता था काम। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।